इतने बड़े ड्रोन, ये देखो ये देखो। आज दो काम है, दो नहीं एक्चुअली में काम तो एक ही है, दूसरा तो आपको टाइटल से पता चल गया कि क्या करना है। सो व्हाट्सअप पीपल, कुलदीप दिस साइड, बैक विद वीडियो, चलिए शुरू करते हैं। और पहला काम जो मैंने बताया था कि वो है आधार कार्ड को करेक्ट कराना है, उसमें नंबर मेरा है ना दूसरा दे रखा है, पता नहीं कैसे क्या उन्होंने गड़बड़ कर रखी है, वो चेंज कराना है। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा CSC ऑफिस, जो कि मुझे पता नहीं था कि CSC ऑफिस ऐसा कुछ होता भी है। किसी से पता किया कि कैसे करेक्ट कराना है, तो उसने बताया था कि आपको CSC ऑफिस जाना पड़ेगा। तो फिर मैं देख रहा हूँ कि बाइक से जाऊँ या कार से जाऊँ, मैं सोचा कार से ही चला जाता हूँ। और अभी टाइम हो चुका है 1:20, ज़्यादा डिले ना करते हुए निकलते हैं, क्योंकि ये सरकारी सा काम है तो पता नहीं, इनका कुछ पता नहीं होता कि भाई अब लंच हो गया, अब ये हो गया, जल्दी से निपटाना है क्योंकि दूसरे काम के लिए भी जाना है। तो ऑलमोस्ट देयर, और आज का दिन तो ऐसा लग रहा था गर्मी आ गई हो, आई गई है वैसे गर्मी, लास्ट मंथ है विंटर का, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता गर्मी लगने लगेगी। इस विंटर में राइड थोड़ी सी कम हुई, बाइक थी साथ में, फिर भी राइड हो जानी चाहिए, बट मैंने ड्राइव कर ली इसलिए थोड़ा सा राइड कम हुई। देखते हैं, कोशिश करते हैं कि विंटर जाते जाते कोई राइड कर ले, वैसे प्लानिंग तो चल रही है, अभी देखते हैं उसका क्या होने वाला है, अभी फिक्स नहीं है कुछ भी। बट ऐसा भी नहीं है कि अभी विंटर, ऐसा नहीं है कि विंटर को देखते हुए राइड करेंगे, बट वो राइड होने वाली विंटर वाली राइड। इससे आपको थोड़ा सा हिंट तो मिल गया होगा कि हम कहाँ की सोच रहे हैं, बाकी देखते हैं कि क्या होने वाला है, मुझे खुद पता नहीं तो मैं आपको क्या बताऊंगा। जैसे CSC सेंटर पर यहाँ पर अपना काम होगा, क्या बताऊँ आपको, काम ही नहीं हुआ। क्या हुआ कि यहाँ पे 10 से 15 दिन बता रहा कि और कम से कम लगने वाले, तो अभी दूसरी जगह ट्राई करने जा रहा हूँ जो कि यहाँ से 21 किलोमीटर दूर है, और ये जो मुझे पढ़ा था 14 के अराउंड पे पढ़ा था, ऐसा कुछ 13 किलोमीटर के अराउंड था, और यहाँ से 21, मतलब इतना चलना पड़ेगा आज मुझे एक छोटे से काम के लिए। पता नहीं, अब जो भी है अब जाना तो पड़ेगा, फिर वहाँ पे चेक कराना ही पड़ेगा। और वहाँ का भी नंबर नहीं है मेरे पास, मैं फ़ोन करने की सोच रहा था यहाँ पे भी कि यार कुछ हो जाएगा, काम नहीं होगा, वहाँ का भी नंबर नहीं है। तो अभी चल के वहाँ पे जाके देखते हैं, बाकी मैं एक दो जगह और सर्च कर लेता हूँ कि मोबाइल नंबर किसी पे भी अवेलेबल होगा तो वहाँ पे कॉल करके पूछ लूँगा कि काम होने वाला है या नहीं होने वाला, नहीं तो ऐसा घूमता ही रह जाऊँगा मैं। तो अगर चेक करता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। काम नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी बज चुके हैं दो बजे, उसने बताया था कि सरकारी काम होता है क्लोज हो जाता है, तो इसलिए वो काम नहीं हो पाएगा, तो आपका कोई आने का फ़ायदा नहीं। इसमें सही रहा कि मैंने दूसरे किसी को कांटेक्ट कर लिया, उससे मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो मुझे चाहिए थी वो मिल गई है। बाकी मैं कल उधर ही जाऊँगा तो मैं वहाँ से करा लूँगा काम, या कल जाऊँगा परसों जाऊँगा, जब भी जाऊँगा मैं करा लूँगा काम। जो भी है सब कुछ पता चल जाएगा मुझे वहाँ जाके कि क्या क्या चीज़ चाहिए मुझे, तो एक डॉक्यूमेंट्स और भी बनवाने हैं, तो जो भी दिक्कत है ना सारी सोल्व हो जाएगी मेरे वहाँ पर जाके। तो देखते हैं, मैं कल जाता हूँ परसों जाता हूँ, जब भी जाता हूँ आपको बता दूंगा। बाकी अभी मैं जाता हूँ घर पे, और फिर जो मेन काम है ना उसके लिए हम चलते हैं। सो जैसे टाइटल में पता चली गया हो, तो दूसरा जो काम है वो कराने जा रहा हूँ मैं। पहले जब क्यों नहीं गया, तो मुझे घर आके छोटा सा काम था, तो वो मतलब छोटा था, मुझे आना पड़ता, मैं वहाँ से जा नहीं सकता था। अभी बैक कर रहा हूँ गाड़ी और निकल रहा हूँ कहाँ पे, अपने ड्रोन को ठीक कराने के लिए। खर्चा क्या आने वाला है मैं वहाँ जाके बताने वाला हूँ आपको। ये जो कंट्रोलर है ना, ये डिस्चार्ज होता रहता है रखे रखे, पता नहीं बैटरी उसकी डिस्चार्ज नहीं होती, ये जब भी जब डिस्चार्ज हो जाता है हार्डली एक या दो दिन चलता है। बाकी यहाँ से मुझे 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है वो कवर करके जाना है। अभी 10 मिनट की ड्राइव कर चुका हूँ, यहाँ से दिखा रहा है कि 1 घंटा 15 मिनट मुझे लगने वाला, जैसे मैंने बताया था कि 1.5 घंटा लग जाएगा। अगर मैं पहले ही निकल जाता ना, थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया घर पे, और मैं थोड़ा सा आलकस में आ गया था कि मैं जाऊँ ना जाऊँ, पर चलो मैं फिर सोचा कि चल देता हूँ। अब से एक बात पूछनी है, गूगल मैप है ना यार, मैं चलाता था पर बहुत दिक्कत आती है, इसको कहीं माउंट करने के लिए मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे मैं इसको लगा सकूं कार में और गूगल मैप यूज कर सकता हूं कहीं यहां पे, यहां से मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी इधर लगाने में। बेल्किन का माउंट पड़ा हुआ, बट वो यार मैं दूसरी कार में यूज कर रहा हूं, पर कार की बात नहीं है, उससे मैं इसमें भी लगा सकता हूं, बट मुझे ना वो पसंद नहीं आता, उससे ना एयर ब्लॉक होती है। समर का टाइम आने वाला है, और समर के टाइम आपको तो AC की जरूरत होती है, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत आती है, वो इतना इफेक्टिव नहीं है। तो कुछ ऐसा बताइए मुझे माउंट जो इसकी विंडस्क्रीन पे लग जाए, विंडस्क्रीन जो या फ्रंट वाली स्क्रीन जो भी बोलते हैं इसको, और यहाँ से मैं इसको नेविगेशन को चला सकता हूँ
क्योंकि अभी जैसे मैं जा रहा हूँ दिल्ली में कहीं पे भी, तो मुझे नेविगेशन में काफ़ी तकलीफ होती है। बाइक का तो मुझे पता है, जैसे मैं रेमोट यूज़ करता हूँ बाइक पे, बट कार का मुझे इतना आइडिया नहीं है कि कौन सा वाला बेटर रहेगा मेरे लिए। तो अगर आपको कुछ भी समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट करके डाउन बिलो जरूर बताना मुझे। आज पता नहीं बट जा तो मैं रहा हूँ, बट लग नहीं रहा कि मुझे जाना चाहिए। बट स्टिल चलो, मन यही था कि एक बार तो प्लान यही हो गया था कि कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है, इवनिंग में सन नीचे आ चुका है। कभी मैं वहाँ जाऊँ और क्या है कि बट टाइम लगेगा, तो आपको आज ड्रोन नहीं मिलने वाला है, आपको कल ड्रोन मिलेगा, ऐसा कुछ मुझे जवाब मिल जाए, बट मिलना नहीं चाहिए। पर चलो जो भी है, जैसा भी है, जो अब डिसाइड कर लिया है जाने का, निकल चुके हैं तो चले चले जाते हैं। वैसे मैं वो घर वाला काम कैंसिल करके सीधा डायरेक्ट निकल लेता, तो मैं डेफिनेटली मेरा काम भी हो जाता और मुझे टाइम भी नहीं लगता, और रास्ते पे भी टाइम नहीं लगता, क्योंकि अब पीक आवर स्टार्ट हो जाएंगे और मुझे रास्ते में भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाली है। अभी अभी क्या हुआ, बीच में से है ना रास्ता कटता है, एक राइट साइड को जाता है, एक लेफ्ट साइड को जाता है। सो काफ़ी बंदे ना कन्फ्यूजन में है ना, राइट को लेकर लेफ्ट को ले लेते हैं, और उससे ना पीछे वाले को ठुकने की दिक्कत होती है। तो मेरी भी ऑलमोस्ट गाड़ी ठुक जाती है, एक हाथ में मैंने मैप पकड़ रखा था, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि मैप का होना चाहिए मेरे पास हमेशा। मुझे पता है कि कहाँ पे दिक्कत आती है, मुझे पता है कि यहाँ पे हमेशा ना गाड़ी ठुकी नज़र आती है, तो अगर वो मैप वाला सिस्टम होता तो मेरी गाड़ी का ठुकने के चांसेस और भी कम हो जाते और मैं आराम से एस्केप कर जाता। बट थैंक गॉड कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से निकल गया, नहीं तो मैं भी अपनी गाड़ी लेकर सर पकड़ के बैठा हुआ होता यहाँ पे। चलो कोई नहीं, ऐसा होता रहता है, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि ना गूगल मैप हमेशा ना, अगर आप यूज़ कर रहे हो तो हाथ में यूज़ करने का नहीं होना चाहिए, कुछ माउंटिंग का सिस्टम होना चाहिए और वो लगा लेना चाहिए। बाकी अभी टाइम 4:30 हो चुके हैं और गूगल भी अपने खेल खेल रहा है। वैसे रास्ता वो हमेशा राइट वाला दिखाता है, आज लेफ्ट वाला दिखाया है। तो चलिए अभी चलते हैं, और अभी धोलाकुआ मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया, धोलाकुआ से मुझे राइट टर्न लेना होगा। और वैसे मैं बता देता हूं, मैं जा रहा हूं प्रीत विहार की तरफ, वहां पे जाके मैं अपना ड्रोन ठीक कराने वाला हूं। जैसे मुझे पता चला था कि ऑनलाइन से, और वो काफ़ी तरह के ड्रोन भी असेंबल भी करते हैं, तो काफ़ी रिलायबल लगता है। बाकी एक मुंबई वाले से भी बात हुई थी ड्रोन के लिए, फिर मुंबई में सेंड करना पड़ेगा, फिर वो मुझे डिटेल्स वगैरह देता, तो उसमें काफ़ी लंबा समय लग जाता और मेरी क्या पता नेक्स्ट राइड जल्दी आ जाए। इसलिए मैंने सोचा कि दिल्ली में ठीक हो जाता, मैं दिल्ली में ही ठीक करा लेता हूँ अपने ड्रोन को। आगे सामने ना फ्लाईओवर बना है ना, उससे काफ़ी रिलीफ मिला है। यहाँ पर ट्रैफिक जाम लगा रहता था, अब ट्रैफिक जाम इतना देखने के लिए मिलता नहीं है। यहाँ पर जब भी आता हूँ, यहाँ पर मतलब सीपी या सीपी के आसपास के एरिया आता हूँ, ये सर्कल से देखता हूँ, यहाँ पर ट्रैफिक के रूल जैसे फॉलो वो देखता हूँ ना, तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ यार दिल्ली है, असली दिल्ली यही दिल्ली है। दिल्ली अगर कहें तो ये मेन दिल्ली है, जो कि सुंदर है, साफ है, पेड़ है, बट थोड़ा सा ट्रैफिक का जो पोल्यूशन है ना वो यहाँ पे भी है। रीच्ड और पार्किंग की जगह हार्डली यहाँ पे है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे करके मैंने पार्किंग पे लगा दिया है ड्रोन, लेना ड्रोन जाएगा बैक में, फोन उठाऊंगा, और पीछे कोई गली में दिखा रखा है वहाँ पे जाना पड़ेगा मुझे, पता नहीं ऐसे घूम फिर के पैदल ही देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पार्किंग मिलना काफ़ी दिक्कत रहती है। आप देख रहे हो तो कितनी कंजेस्टेड गली है ये। घूम फिर के ना पहुँच गए हैं जहाँ पे मुझे ड्रोन ठीक कराना है, इसके सेकंड फ्लोर पे है। बाकी ये बच्चे आए जो मेरी वीडियो देखी हुई है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और फोटो वोटो क्लिक किए हैं, और मैं जा रहा हूँ ऊपर ड्रोन ठीक कराने के लिए। हाय हाय बोल दूंगा। ड्रोन देख रहे हो, इतने बड़े ड्रोन, ये देखो ये देखो। पूछता हूँ आते हैं तो इनका पर्पस क्या है, कौन लेता है, कौन उड़ाता है, कैसा है, क्योंकि इसमें तो टैंक भी बना हुआ है कुछ काम के लिए। ड्रोन छोड़ के जाना पड़ेगा और इनको भी बाय बाय बोलना पड़ेगा, बस कितना ही देखने के लिए मिला। भाई आते हैं उससे पूछते हैं कि भाई एक्चुअली में इनका यूज़ क्या होता है। यूज़ में भी देखा होगा, कुत्ता आ गए। एलेक्स भाई बता रहे थे कि ये ड्रोन है ना सैनिटाइज के या एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया गया था। वैसे सैनिटाइज के लिए यूज़ किया गया था, एग्रीकल्चर का इसका मेन पर्पस होता है, इसमें जो भी छिड़कना होता है उसमें डाल दिया जाता है, फिर उसको छिड़काव कर दिया जाता है। जैसे आप एग्रीकल्चर को जानते हो कैसे क्या होता है, जो छिड़काव करने के लिए यूज़ में ये आता है। बाकी ये दूसरा वाला डिफरेंट पर्पस है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता इसका क्या पर्पस है। भाई भी इस जगह बताने के लिए मे बी आर्मी उड़ने के लिए भी यूज़ होता होगा इसका, उड़ाने के लिए तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे उड़ाने का नहीं है। कोरोना के टाइम में सैनिटाइजेशन हुई थी तो वो इस ड्रोन से हुई थी, ये वाला ड्रोन पर्टिकुलर ड्रोन से हुई थी, इन्होंने की थी ये बता रहे हैं, मुझे विश्वास तो करना ही पड़ेगा बता रहे हैं तो, क्योंकि ऐसे ड्रोन देखने के लिए जल्दी से मिलते नहीं है। बाकी अभी मैंने अपना ड्रोन सबमिट तो कर दिया है, बाकी मन तो नहीं कर रहा यार छोड़ के जाने के लिए, क्योंकि ड्रोन कितना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। चलते हैं बाद में बात करते हैं। कितना पॉल्यूशन है रे भाई, अब जो यहाँ पे लग रहे हैं ना वो पानी छिड़कते रहते हैं, मुझे ख्याल से वो उसी के लिए है कि पॉल्यूशन कम हो, कुछ पॉल्यूशन दबे, ऐसा ही लग रहा है मुझे। दो ही लगी हुई है आईटीओ के पास में,
अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा, बाहर से हो तो आपको नहीं पता होगा, बट भाई बहुत पोल्यूशन है यहाँ, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है भाई। कोरोना में हेल्प करे ना करे, पोल्यूशन में ज़रूर हेल्प कर रहा है मास्क, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको भी लगता है? मुझे तो डेफिनेटली लगता है कि दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल ना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है, और ये गूगल अपना बोलता ही रहता है। मैं जैसे मैं बता रहा था कि पीक आवर में आज ड्राइव करना पड़ेगा, पीक आवर में दिल्ली में ड्राइव करना मतलब महाभारत, बाकी यहाँ मेरे पीछे इंडिया गेट है। पोल्यूशन देख रहे हो कितना, पोल्यूशन दिखाई भी नहीं दे रहा है। पोल्यूशन इतना है कि क्या करें, आपको दिखा नहीं सकते हैं कि पास में जाना पड़ेगा उसके लिए, और पीक आवर में मतलब अब छोड़ो यार, अब आज नहीं कभी फिर टाइम लगेगा, रात के टाइम आएंगे और आपको दिल्ली की थोड़ी सी सैर कराएंगे। आज तो ट्रैफिक ने काफी परेशान कर दिया, अब जाओगे थोड़ा सा रिलीफ मिला कि चलने तो लग गए हैं, ये अब किसी तरह यहाँ से निकल जाए। अब भी मेरा घर यहाँ से 1 घंटा दिखा रहा है, तो कितना ट्रैफिक आगे मिलने वाला है मुझे। इसलिए दिल्ली में पीक आवर्स में ना ड्राइव करना तो पूछो मत, राइड करना ही मुश्किल हो जाता है, तो ड्राइव तो भूल ही जाओ आप। तो ड्राइव तो मैं कल अगर मुझे आना पड़ेगा तो मैं ड्राइव करके तो डेफिनेटली नहीं आने वाला हूँ, बाइक से ही आऊँगा मैं। देखते हैं कि एक्चुअली में सिचुएशन कैसे पैन आउट होती है, मे बी मंडे को मेरा ड्रोन मिले, जब भी मिलेगा पहले वो उसको देखेगा, फिर उसके बाद मुझे खर्चा बताएगा, फिर मैं उसको हाँ या यस या नो करने वाला हूँ, और फिर उसके बाद वो उसको ठीक करेगा। तो मुझे तो लग नहीं रहा कि कल हो जाएगा, बाकी हो जाता है तो बेटर है, ड्रोन अपना अपने पास आ जाता है तो फिर मतलब ये होता है ना कि यार अपना चीज़ ठीक हो गई, अपने पास आ गई है और अब मैं उसको चाहे कुछ भी यूज़ करूँ। यहाँ पे लगा रहता है भयंकर वाला जाम, और चलो अभी निकल गए, बोलते गले ही निकल गए हैं, नहीं तो भाई यहाँ पे लाइनें लग जाती हैं बहुत लंबी लंबी, और यहाँ पे क्रॉस करने में कई बार आधा आधा एक एक घंटा भी लग जाता है। तो यहाँ पे काम भी चल रहा है, बगल में देख रहे हो कंस्ट्रक्शन चल रही है, दूसरा ब्रिज बनाया जा रहा है, ये नाला है, जब ये कम्प्लीट हो जाएगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगी अपनी, आराम से क्रॉस करेंगे, रात के टाइम आने में डर नहीं लगेगा, गाड़ी लेके आएंगे। और अभी वैसे जैसे मैंने बोला ना कि बल्ले बल्ले हो जाएंगी, तो ये रुक गया, जैसे कि देख रहे हो ना आगे से किसी ने गाड़ी फंसा दी होगी और ऐसे रुक जाता है ये, और फिर यहाँ पे खड़े रहो। कई बार ऐसा होता है कि पता नहीं, समझ में नहीं आता कैसे कैसे ड्राइवर आ जाते हैं, उनको लाइसेंस कौन देता, समझ में नहीं आता मुझे, और वो देखते नहीं है यार आगे कोई जगह नहीं है, और फिर भी फंसा देते हैं, और फिर निकले कैसे, फिर दूसरा बंदा परेशान होता है किसी के ऊपर, यहाँ पे चढ़ाता है ऊपर इसको गाड़ी को, और फिर बस रगड़ते हुए लेके जाता है, लगभग ऐसा ही कुछ ऐसा सीन होता है, बट लिटरली रगड़ता नहीं, बट काम बस हो ही जाता है। बाकी सब बढ़िया, भी घर चलते हैं, घर यहाँ से मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 10 मिनट का रास्ता होगा हार्डली, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। सेफली घर पहुँच गया इतने ट्रैफिक के बाद और इतनी मशक्कत के बाद, भाई रात को मैं अब आगे से ऐसा टाइमिंग रखूँगा कि इससे पहले जाऊँगा पीक आवर के और बाद में आना होगा, या मतलब पीक आवर में ड्राइविंग करना बस की नहीं है अपने, परेशान हो जाते हैं ऑटोमेटिक गाड़ी के, फिर भी इतना परेशान हो जाता है क्योंकि काफ़ी अंदर तक जाना पड़ता है, ऑलमोस्ट बॉर्डर पे ही रहता हूँ मैं दिल्ली के, सो काफ़ी को लगता होगा कि इतना परेशान क्यों हो गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा कवर करके मुझे इतना घूम फिर के मुझे आना पड़ता है कहीं भी मैं जाऊँ। बाकी इस वीडियो को मैं ना इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लेंथ ही नहीं बनाते हुए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको इतनी ही वीडियो पसंद आती होगी, अगर आप चाहते हैं कि वीडियो की लेंथ को थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ करूं तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइए, और काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं मैंने आपसे, अगर अभी तक आपने सोचा नहीं तो आप सोच लीजिए और कमेंट कर दीजिए कि मुझे कौन सा माउंट लेना चाहिए मोबाइल का जो मैं गाड़ी के विंडस्क्रीन पर लगाऊँ। जी हाँ, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अब तक लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, मिलते हैं ऐसी वीडियो में, लिव योर लाइफ लिव योर ड्रीम, बाय।